हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज गणेश जी का सेकंड लास्ट डे है, कल गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा। आज जो विसर्जन से पहले जो कथा और कुछ हवन वगैरह होते हैं हमारी सोसाइटी में, बस वही उसी की तैयारी चल रही है। देखिए, लगभग तैयारी तो हो चुकी है, हवन की, सत्यनारायण की कथा की तैयारी हो चुकी है। अब ये स्टार्ट होने वाली है तो कुछ ही देर में, आप भी देखिए ये हवन की तैयारी हुई है। हम लोग भी थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए आ गए थे, एमी के साथ आए थे। एमी तो कुछ हेल्प करवाने तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो बहुत इंजॉय कर रहा था आज। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस दिन विसर्जन था गणेश जी का। ये विसर्जन के का क्लिप है। मेरा बेटा और हम लोग रेडी होके विसर्जन करने के लिए आ गए थे। हमारी सोसाइटी में गणेश जी का विसर्जन सोसाइटी में ही किया जा रहा था, उसका अरेंजमेंट नीचे किया गया था कॉलोनी में, और गणेश जी हॉल में बिठाए गए थे। ये देखिए, गणेश जी को ले कर आ गए हैं, अभी इन्हें एक जगह पर रख देंगे। विसर्जन से पहले जो आरती की जाती है वो होगी। सबसे पहले तो इन्हें, गणेश जी को, पूरी कॉलोनी में घुमाया जाएगा। वो बोलते हैं ना, गणेश जी जाने से पहले पूरे घर में गणेश जी को घुमाते हैं। यहाँ गुजरात में यही कल्चर है कि गणेश जी विसर्जन करने से पहले पूरे घर में घुमाकर फिर उसे बाहर लेकर जाया जाते हैं। यहाँ वही करेंगे, पहले सोसाइटी में से पूरी सोसाइटी में गणेश जी को घुमाएंगे। ये देखिए, निकल चुके हैं गणेश जी को लेके। बहुत गुलाल वगैरह उड़ रहा था, इसलिए मैं अपनी बेबी को लेके आगे पूरी सोसाइटी में नहीं घूमी थी। ये बस थोड़ा ही देर जाकर मैं वापस आ गई थी। सोसाइटी में गणेश जी को घुमाने के बाद सभी लेडीज से यहाँ गरबा खेलने लगी है गणेश जी के चारों तरफ। गुजरात का ये कल्चर है, गुजरात में कभी भी कोई शादी हो, कोई पूजा हो या नवरात्रि हो, गरबा जरूर खेला जाता है। इसलिए सारी लेडीज से मिलके यहाँ गरबा खेल रही है। अब ये नेक्स्ट डे का है। गणेश जी विसर्जन करने के बाद डिनर रखा गया था, तो बस वही डिनर करने के लिए हम लोग भी रेडी हो गए जाने के लिए। ये देखिए, इधर बच्चा पार्टी, सब लोग डिनर कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे सभी सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे डिनर के लिए। मेरा ये ब्लॉग आप सबको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए और इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा बेटा मुझे वीडियो बनाने ही नहीं देता। ये देखिए, इसने हाथ मारा था मोबाइल पे, तो मोबाइल अभी गिरने लगा था। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके, बाय।